जिला बिलासपुर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अनुराग ठाकुर ने नैना देवी जी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला के द्वारा जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लेह ये तीनों भारत के अभिन्न अंग हैं और अभिन्न अंग रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की आधारहीन बयानबाजी करते रहते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 70 साल पहले भूल की थी उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर और देश की जनता आज भुगत रही है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला समय समय पर अपने बयान बदलते हैं और अमर अब्दुल्ला भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और चुनावों के समय भी वे कई तरह के ऐसे बयान देते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और भाजपा की केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं इन सभी में भाजपा एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी। फारूक अब्दुल्ला जी अपना बयान समय समय पर बदलते थे, अब उमर अब्दुल्ला जी ने भी वो काम शुरू किया। चुनाव आए तो वहां पर राजनीति करते हैं, ये देश के हित में निर्णय होना चाहिए। जो भूल आज से 70 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी उसका खामियाजा आज तक जम्मू कश्मीर और बाकी देश भुगत रहा है। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विकास के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयासरत है, आगे भी रहेगी। कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर जिसमें जम्मू लेह कश्मीर ये तीनों हिस्से आते हैं ये भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेंगे। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान देते हैं, ऐसे बयानों पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिला बिलासपुर में विद्युतीकरण के सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 54 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे बिजली में व्यापक सुधार आएगा और लोगों को कम वोल्टेज की समस्या से निजात मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि श्री नैना देवी जी शहर के लिए 1,17,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे LTHT लाइन इसके अलावा नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में पुराने खंभों को भी बदला जाएगा और बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जाएगा ताकि लोगों को विद्युत सप्लाई व्यापक रूप से मिल सके और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो शहरों में बिजली के सुधार में के लिए ताकि वहां पर ट्रांसफार्मर्स लगे, LTHT लाइन्स लगे, पुराने खंभों को बदला जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और जिला बिलासपुर में लगभग 54 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हमने अलग अलग बिजली के क्षेत्र की योजनाओं के लिए मंजूर करवाया है। और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में आज नैना देवी के बाजार में 1,17,30,000 रुपए से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया और 6 महीने के अंदर हम इसको बनाकर पूरा करेंगे और यहाँ की जनता को एक बड़ा लाभ देंगे। इससे बिजली से जुड़ी लो वोल्टेज की समस्या से निजात भी मिलेगा, पुराने खंभे पुरानी तारों से निजात भी मिलेगा।